कहाँ जा रहे हो बाबू? बाबा धाम जा रहे हैं दर्शन करने। बाबा धाम जा रहे हो दर्शन करने के लिए? हम भी जाएंगे बाबा धाम दर्शन करने के लिए, लेकिन आज नहीं जाएंगे, कल। हम 3 दिन के बाद जाएंगे। कहाँ जा रहे? किसके साथ जा रहे हो आप? पापा के साथ। और कौन कौन जा रहे हैं? पापा के साथ जा रहे हैं और ये जा रहे हैं और इनके पापा जा रहे हैं। 4 लोग जा रहे हो? आपके पापा भी जा रहे हैं, इनके पापा भी जा रहे हैं, और आप दोनों दोस्त हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इसका रद्दी राज। तो गाइस लगेज वगैरह तो ले लिए हैं, बट 5 बजे वाली ट्रेन तो छूट जाएगी। मैं जब आ रहा था तभी वो 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे दिखा रहे थे, बट फिर भी मैं एक बार जाके चेक कर लूँगा। शायद इंडियन रेलवे थोड़ा लेट लतीफ़ तो रहती ही है, बट उम्मीद कम है। तो गाइस 5 बजे वाली ट्रेन तो मुझे लगा कि छूट जाएगी, लेकिन अभी तक के ये स्टेशन पर ही है। तो हमने सही गेस किया था कि इंडियन रेलवे थोड़ी आगे पीछे रहती है, अगर हम लेट भी जाएंगे तो हमें ट्रेन पकड़ में आ जाएगी। और सच में अभी तक की ट्रेन जो है वो स्टेशन पे ही रुकी हुई है। और ये जो है वो कौन सी ट्रेन है, हावड़ा से अमृतसर ये वाली ट्रेन है, और ये पटना होते हुए जाएगी। भैया ये पटना होते जाएगी ट्रेन? तो कंफर्म तो है ही, लेकिन फिर भी ट्रेन है और हमारा कंटिन्यूस ट्रेन से सफ़र है नहीं, तो थोड़ा इंक्वायरी भी ज़रूरी है। बट 2-3 लोगों से हमने पूछ भी रखी है, तो कंफर्म है कि ये ट्रेन पटना जाएगी। अब जनरल में जगह बनाना सबसे टफ काम हो जाता है, क्योंकि इंडियन रेलवे में और वो भी नॉर्थ इंडिया में अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो आपके लिए जनरल में जगह बनाना बहुत मुश्किल होती है। बट कोई नहीं, 4 घंटे की सफ़र है, यूँ ही निकल जाएगी। तो गाइस हर टाइम के साथ इस टाइम पे देखिए किस तरीके से जनरल क्लास में भीड़ है, बट कोई नहीं, अभी 4 घंटे की सफ़र ही पूरा हो जाएगा। और लेट भी काफ़ी चल रही है ट्रेन, 5 बजे से यहाँ से खुलने का टाइमिंग है और अभी तकरीबन 5:30 होने को है और अभी तक ट्रेन खुली नहीं। गाइस जिस ट्रेन से हमारी सफ़र है, ये ट्रेन अमृतसर से चलती है और हावड़ा तक जाती है। बहुत लेट लतीफ़ ट्रेन है, 1911 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है ये ट्रेन, और बहुत ज़्यादा लेट लतीफ़ चल रही है। मुझे तो लगा था कि ये ट्रेन पकड़ाएगा नहीं, बट ट्रेन पकड़ में आ गई है। बट हमारा जो डिस्टेंस है वो वाराणसी से लेकर पटना जंक्शन का 4.5 घंटे का डिस्टेंस है, ट्रेवल है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये 4.5 घंटे में पहुँचाएगी। 9:30 बजे का टाइमिंग दिखा रहा है, लेकिन 10 से ऊपर ही जाएगा। और कोई नहीं, खुल गई ट्रेन, देखो खुल गई और बिना सीटी मारे हुए खुल गई, बट ठीक है, ट्रेन फटाफट पकड़ते हैं और मिलते हैं आपसे अगले स्टॉपेज पे। तो गाइस ये ट्रेन बिना हॉर्न मारे हुए खुल गई, बहुत ही मस्त और मजाकिया ट्रेन है ये। हाँ भैया, बिना हॉर्न मारे हुए खुल गई, पता ही नहीं चलेगा। तो गाइस अभी वाराणसी से तो खुल गई है, और ये देखिए सारे जितने भी प्लेटफॉर्म पे इंसान थे, जितने भी लोग थे, वो सारे इसी ट्रेन में सवार हो गए। बाहर आपको एक भी इंसान नहीं देखेंगे, जबकि ये बात कर रहे हैं हम वाराणसी रेलवे स्टेशन के। और अंदर देखिए लोगों की भीड़। तो गाइस अब वाराणसी को बाय बाय करने का टाइम आ गया है, वाराणसी को बाय बाय करते हैं, फिर बाबा का कृपा हुआ तो वापस बुलाएंगे बनारस में, और आप सबको वापस से हम घुमाएंगे बनारस। ये देखिए वाराणसी जंक्शन, वाराणसी कैंट बोल लीजिए, बनारस बोल लीजिए, काशी बोल लीजिए, सारे यही धरती है, यही जगह है, और ये रेलवे स्टेशन की आखिरी छोर। चाय 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 चाय
गाइस यही जितना भी आपको घाट दिखता है यही सारे घाट हैं बनारस के। और ये देखिए सारे पॉपुलर घाट हमने आप सबको दिखाया है और घुमाया है। ये देखिएगा सनसेट वाला व्यू के साथ में। ये गंगा घाट है। तो गाइस अभी हमारी जो ट्रेन है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय से निकल चुकी है। हालांकि लेट तो चल रही है, अब कितना लेट चल रही है ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बहुत लेट चल रही है। बट यहाँ से ट्रेन निकल चुकी है और टाइम की बात करें तो कितना टाइम हुआ, तकरीबन 6:30 बज रहे हैं और यहाँ से गाड़ी तो निकल गई है। बट ठीक है, रुकी हुई रहने से अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा गाड़ी चलता रहेगा तो पहुँच जाएंगे जर्नी पे। और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बाद आगे वाली जो स्टॉपेज आएगा वो डायरेक्ट बिहार की आएगी, यहाँ तक के उत्तर प्रदेश के स्टॉप पे चल रही थे समझिए। तो ये बिहार और यूपी की बॉर्डर है। तो गाइस अभी हमारी गाड़ी जो है वो दिलदार नगर पहुंच चुकी है और भीड़ तो भैया पूछो मत, बहुत हार्ड वाली भीड़ है। 2 घंटे की और सफ़र है, 2 घंटे में सफ़र पूरी हो जाएंगे। ये देखो भीड़, ये भीड़ धीरे धीरे कमते जाएगी और हमारा स्टॉपेज होते होते अच्छी खासी भीड़ कम जाएगी, लेकिन फिर वो भीड़ कम होने का हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। लो कैमरामैन तुम पे फोकस कर दिया, कहाँ जा रहे हो बाबू? बाबा धाम जा रहे हैं दर्शन करने। बाबा धाम जा रहे हो दर्शन करने के लिए? हम भी जाएंगे बाबा धाम दर्शन करने के लिए, लेकिन आज नहीं जाएंगे, कल। हम 3 दिन के बाद जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं? किसके साथ जा रहे हो आप? पापा के साथ। और कौन कौन जा रहे हैं? पापा के साथ जा रहे हैं और ये जा रहे हैं और इनके पापा जा रहे हैं। 4 लोग जा रहे हो? आपके पापा भी जा रहे हैं, इनके पापा भी जा रहे हैं और आप दोनों दोस्त हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इसका रद्दी राम। अच्छा, और कहाँ कहाँ दर्शन किए हो? और कहाँ कहाँ दर्शन किए? नहीं। अच्छा, बाबा धाम पहली बार जा रहे हो? नहीं, तो? एक बार गए थे, फिर जा रहे हैं। दोबारा जा रहे हो, बहुत बढ़िया। तो गाइस हमें सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंग की आदत नहीं लगी है, सिर्फ हमें तलब नहीं लगी है, छोटे छोटे बच्चे लोग को भी देखो बाबा धाम जा रहे हैं। और ये दोनों बच्चे अपने पिताजी के साथ में बाबा धाम जा रहे हैं। चलो पहले एक बार बोलो हर हर महादेव। महादेव। तो गाइस दिलदारगंज से जो है वो ट्रेन खुल चुकी है और ये देखिए हमारी ट्रेन की मूवमेंट। बस डर एक ही चीज़ के कि हम शूट तो कर रहे हैं, अगर हमारा कैमरा किसी ने खींच लिया तो शूट ही बंद हो जाएगी, तो हम आगे का शूट बाद में दिखाएंगे आपको। फोकस कर दिया, देखो भीड़। तो गाइस ये देखे डुमराव में देखे कितना भीड़ हो गई। भैया अभी लगता है हम ही नहीं चढ़ पाएंगे, हमने जगह दिया था चढ़ने के लिए, अब लगता है हम भी नहीं चढ़ पाएंगे। बहुत खतरनाक वाली भीड़ है। अरे चढ़ने दीजिए ना, नहीं भागे, पकड़ो। अरे भैया कौन है? भाई साहब हम भी अपनी जगह बना लेते हैं, नहीं तो हम रह जाएंगे इधर स्टेशन पे ही। तो गाइस फाइनली हम पटना जंक्शन पहुंच गए और यही वाली ट्रेन से हमारी सफ़र थे। तो काफ़ी संघर्षों के बाद हम जाके अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे हैं
अभी हमारा दोस्त जो है वो रिसीव करने के लिए आया हुआ है, तो इसके आगे की जो जर्नी है वो ज़्यादा कठिन होने वाली नहीं है। अभी फटाफट आराम से घर पे जाएंगे, रेस्ट करेंगे, खाना खाएंगे, रास्ते में कुछ खा लेंगे, उसके बाद घर पे चल के खाना खाएंगे। और ये ही वाली ट्रेन हमारी थी हावड़ा अमृतसर, अमृतसर से आ रही है और ये हावड़ा को जा रही है। तो चलिए आगे की जर्नी में मिलते रहेंगे। पटना जंक्शन पहुँच चुके हैं, रात के कुछ 10 बज रहे हैं और ट्रेन अपने निर्धारित समय से 20 मिनट लेट पहुंचाया है। तो 20 मिनट ज़्यादा नहीं हम मानते इंडियन रेलवे को, क्योंकि इतना तो इसका नॉर्मल ही होता है। अगर ये लेट नहीं होता तो हमारी ट्रेन छूट जाती। तो कभी अच्छे भी होते हैं, कभी बुरे भी होते हैं, तो दोनों मज़े हैं लेट होने के। खैर चलिए आगे, और आगे की जर्नी में बने रहिए। आज पटना जंक्शन का ये बैक साइड का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो दोस्त है वो रिसीव करने के लिए इसी साइड को आया हुआ है। तो ये वाले व्यू मैंने आपको दिखाया, और अब तो सबसे पहले मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा, वो है कहाँ पे।